नमस्कार जी सज्जनों, इस व्लॉग में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच इफ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग। व्लॉग में अंत तक बने रहें। मैं ये व्लॉग शुरू कर रहा हूँ कितने बजे, 12 बजे। आज क्या तारीख है, 8 तारीख हो चुकी है, मतलब अगला दिन लग चुका है। मैं ये व्लॉग शुरू कर रहा हूँ रात को, क्योंकि आज हमारे कोटद्वार में जैसे सुंदर सुंदर लोक गढ़वाली गीत गाने वाले जितने भी महान गायक हुए हैं, उनमें से दो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जगराता करने के लिए। तो जगराता नाइट है जी कोटद्वार में, मैं वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि मेरी माता श्री तो पहले ही पहुँच चुकी हैं वहाँ पर, उनको तो कौन ही रोक सकता है। बहरहाल सब लोग घर पे सो चुके हैं, पापा, निक्कू, तोशी, हाँ ये सोएंगी अब। ये इसलिए जगी हुई थी क्योंकि ये देख रही थी GOT। कौन दो लोग हैं, मंगलेश डंगवाल जी हैं, उत्तराखंड में रहते हैं आप तो जानते ही होंगे। दूसरे हैं बहुत पौराणिक कह रहा हूँ, बहुत पुराने लोग गायक हैं, अनिल बिष्ट जी, जिनसे एक बार पहले भी मुलाकात हो चुकी है। जहाँ पर मैं एंकरिंग करने गया था तो वहाँ पर मिले थे ना, अचानक से मिल गए थे, उनसे ही मिलेंगे। चलिए थैंक यू, मैं चलूँ। देखो इधर एंटार्क्टिका बना रखा है इन्होंने, ऐसा ठंडा हो रखा है यहाँ पर कि क्या बताऊँ मैं। चलिए जी मैं आता हूँ, ठीक है, चलूँ, बाय बाय, सो जाना आप। चलो भैया जगराते में चलते हैं, यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पे है। मम्मी कह रही थी कि मिस नहीं करना है, वहाँ जाना है। चलो मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। बहरहाल पहले मैं अपनी माता श्री को ढूंढ लूँ। भाई शांत होना बहुत, जय बिल्कुल जय हो प्रभु, मतलब बिल्कुल शांत होनी हो रहा है मामला। और व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है, मैं अपनी माता जी को नहीं ढूंढ पाया अंदर। पीछे कुछ जन खड़े हैं यहाँ पर, संगीतकार लोग, तो ये आज मतलब ये टीम में बजा नहीं रहे हैं स्टेज पर मैंने तुम्हें देख लिया था, तुम स्टेज पे थे। कलाकारगण पीछे हैं, शायद उनसे मिलने का मौका मिले, मे बी, हो सकता है। बट अंदर तो व्लॉग करना बहुत मुश्किल है। मैं मम्मी मेरी बैठी है, पता नहीं कहाँ है। हमारे जस्ट सामने दो कलाकार जो हैं, मंगलेश डंगवाल जी यहीं खड़े हैं, हो सकता है उनसे भेंट हो जाए। पर अनिल बिज तो जानते ही हैं, ये नहीं जानते, इनसे मिलने चलेंगे अभी। पर परमिशन लेके देखते हैं, मंगलेश डंगवाल जी से मिल लेते हैं। नमस्कार डंगवाल जी, नमस्कार। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ही से मुलाकात कर रही थी, मुझे दो बोल आपके साथ वीडियो बनानी थी छोटी सी। मंगलेश डंगवाल जी हैं लोकप्रिय गायक यहाँ के, और माया बांधा अगर आपने सुना है तो आप सब जान ही गए होंगे कि कौन आपके सामने खड़ा है। डंगवाल जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आपका थोड़ा सा ही समय लूँगा, मुझे मालूम है अगला कॉल आप ही का है यहाँ पर कोटद्वार में आप पहला शो कर रही है। बुला अब ये तो मेरे को ध्यान नहीं, मैं कितने शो यहाँ पे कर रहा हूँ। करीबन सबसे पहला जो मेरा प्रोग्राम हुआ था कोटद्वार में, सिद्धवली महाराज के पास हुआ था 2003 में। तो मेरे हिसाब से 19 साल हो गए, 19 सालों में कितने शो किए हैं कोई गिनती नहीं है। कोटद्वार के अंतर में ये मेरे को ध्यान नहीं है, इसीलिए मैं समझ आता हूँ। हाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मतलब कोटद्वार में हैं और इस जगह पर यहाँ पर शो कर रहे हैं। मेरा घर बिल्कुल बगल में ही है, बहुत सुंदर। और आपके गीत जो है बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। अच्छा, और इसी खुशी में मैं यहाँ दौड़ा चलाया घर से, मैंने कहा एक बार आपसे मुलाकात हो बहुत अच्छा लगेगा। भगवान हमारी कामना है, आपका जो यूट्यूब ब्लॉग है ये बहुत अच्छा चले, आप तरक्की की राहों पे चले, मेरी कामना है भगवान गणेश। धन्यवाद धन्यवाद। पीछे संगीत बहुत लाउड है तो आवाज बहुत कम आएगी। बहरहाल अब मैं अलविदा लूंगा क्योंकि अगली कॉल इन्हीं की है, ये स्टेज पे होने वाले थोड़ी देर में। और थैंक यू सो मच, डबल एट यही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जरूर जरूर, ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद धन्यवाद। फोन नंबर भी ले लिया मैंने उनसे।
थोड़ा बहुत जागरण के मजे लेंगे और माता जी को ढूंढेंगे अपनी। आ जाओ कहाँ हो तुम? अरे मैं तो आ गया हूँ स्टेज के सामने। अच्छा तुम वो अच्छा दिख गए मेरे को, दिख गए, मैं आता हूँ अभी। अरे मंगलेश जगवाल जी की एंट्री है, बस वो बता रहे हैं कि किस बीट में बजाना है, स्केल बता रहे हैं, स्केल किस में बजाना है। अनिल बीर जी भी मिल गए वही जिनसे एक डेढ़ घंटे से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे मिलूं। मैं आप एक बार परफॉर्मेंस में थे, हाँ। मैं बीच में पीछे आया तो आप इधर आ गए। मंगलेश जगवाल जी की परफॉर्मेंस चल रही है और बीर जी से मैं पीछे ही मिलने चला है, चाय वाय पी जा रही है वही। तो आप आपने जो अभी प्रस्तुति दी है बहुत जबरदस्त झुमा दी आपने लोग, या ऐसे मतलब लोक गायक अपने लोकप्रिय कलाकार हमें मिल जाते हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ मैं घर से निकल के 12 बजे। हाँ मैंने कहा बस चाय में ले ली, तो लग रहा है आपको यहाँ पर बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा, पहले से बहुत अच्छा कर रहा है, सारे यूथ हैं, संस्कृति से हमारे कल्चर से वो कह रहे हैं कि यूथ जुड़ रहा है इस बार और बहुत सारे युवा कलाकार हैं यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं सामने। और कुछ आपको सूचना देनी हो या फिर कुछ कहना हो नई पीढ़ी को? देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मेरा ये अनुरोध है कि हमें हमेशा से सुन रहे हैं, आपको तो सुनते ही जा रहे हैं लोग और हमेशा से सुन रहे हैं, हम तो बचपन से सुन रहे हैं। जहाँ भी वो रहते हो इस टाइप के आयोजन करें, इससे एक ये होता है कि मेला जो मेलों की परंपरा हमारी खत्म हो रही है वो यहाँ शुरू हो रही है। अगल बगल किसी को मालूम नहीं कौन कहाँ रहता है, यहाँ सबकी मुलाकात होती है, एक दूसरे परिचय होता है, तो ये मेला है, ये भगवान के नाम पे सब लोग एकत्रित हो जाते हैं ऐसे आयोजन। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। बहरहाल आज रात तो मतलब गला आपका बहुत यूज होने वाला है, तो मैंने आपको काफी बातचीत करवा ली, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपकी परफॉर्मेंस होगी मुझे लग रहा है इसके बाद, है ना? चलिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ये वो लोग हैं जिन्होंने परचम खड़े कर रखे हैं उत्तराखंड में। मंगलेश जंगवाल जी का एंड हो गया भजन।
बहुत एनर्जेटिक मामला और डंगवाल जी ने सारी देवियां सारे इष्ट नचा दिया आज। अब मैं निकल रहा हूँ घर क्योंकि ये तो पूरी रात चलेगा। मम्मी आ जाएगी बाद में, अभी नहीं आ रही है। चलो चलिए भैया। भैया मैं जा रहा हूँ घर, वहाँ तो आवाज़ आ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी, बट ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आधी रात हो रही है, मतलब नौजवान सड़कों पे घूम रहे हैं भक्ति रस लिए और लोग अभी भी वॉक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मॉर्निंग वॉक पे निकले, पर नहीं, ये घर जाके अब सोएंगे। अनिल बिज जी से तो मैं मिलता रहा हूँ, पर मंगलेश डंगवाल जी से पहली मुलाकात थी है, और मुझे पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक उनकी सिंगिंग है, मतलब अच्छे खासे पागल हो जाएं। आधे घंटे से ज़्यादा वो लगातार, मतलब वो लगातार गा रहे थे, और स्टूडियो में गाने वाले तो बेचारे क्या ही कम्पीट कर पाएंगे। लाइव का जो मज़ा है, मतलब ऐसी चीज़, ऐसा कोई समारोह, ऐसा कोई जगराता कीर्तन आपके घर के आसपास हो, जाके उसका लुत्फ उठाएं, जाने कल्चर को, देखें भाई कैसे कैसे होता है, क्या होता है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हम एज एन ऑडियंस ही आगे फिर कैरी करने वाले ना ये सारी चीज़ें। चलो मंगलेश डंगवाल जी, यार आज आपने फैन बना दिया बिल्कुल, बहुत ही पावर पैक्ड, झूम उठे भाई सारे। फिलहाल मेरी घरवाली जो हैं वो अगर नहीं उठी होंगी तो मैं झूम उठूंगा। मैं अभी अभी घर पे एंटर किया हूँ, सभी लोग सो रहे हैं, कोई भी नहीं उठा हुआ है, तो मम्मी को आने में भी टाइम है, बट अब सब सो रहे हैं, मैं भी सो रहा हूँ, सुबह मिलते हैं।